इंडियन T20 लीग के 38वां मैच रहा शुरू से लेकर आखिर तक 100% रोमांचक। अबू धाबी में चेन्नई हारते हारते कोलकाता से जीत गई आखिरी गेंद पे 2 विकेट्स के साथ। बढ़िया पिच के ऊपर कोलकाता ने दिनेश कार्तिक और नितेश राणा के सहारे अच्छी फिनिश करी 171 रनों के साथ। एक बार फिर से चेन्नई के ओपनर ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई टीम को, मगर फिर मिडिल ऑर्डर ने उनके हार्ड वर्क पर पानी फेर दिया। जिस तरह की बॉल सुनील नारायण आखिरी ओवर में डाल रहे थे, ऐसा लगा कि कोलकाता शायद ये मैच जीत जाए, खास तौर से जब एक नए बैट्समैन को नारायण की फिरकी का सामना करना था। पर दीपक चहर बने चेन्नई के फैंस के हीरो और इसी के साथ चेन्नई को मिले 16 पॉइंट्स और सीधे टॉप ऑफ द टेबल पर पहुंची एमएस धोनी की टीम। कोलकाता ने बैटिंग करने का फैसला लिया और शुभमन गिल ने 2 चौके के साथ अपनी पारी शुरू किया, मगर पहली ओवर के 6ठी गेंद पे अंबाती रायडू ने डायरेक्ट हिट लगाया और कोलकाता को पहला झटका लगा 10 रन पे। इसके बाद लगातार 2 जोरदार पारियों के बाद वक्त आया वेंकटेश अय्यर की गति पे ब्रेक लगाने का और उनका विकेट चटकाया लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने 18 रन के लिए। इन फॉर्म राहुल त्रिपाठी ने एक तरफ से पारी को संभाला अपने अलग अंदाज में और रणनीति बनाने का समय आ गया था। 9 ओवर के समाप्ति पर कोलकाता का स्कोर था 70 2 विकेट के नुकसान पर और सीधे स्ट्रेटेजिक ब्रेक के बाद कैप्टन मॉर्गन आगे बढ़े जॉश हेजलवुड को बाउंड्री पार करने की कोशिश में, मगर गेंद गई फील्डर फाफ डुप्लेसी के हाथों में ठीक बाउंड्री लाइन पर, जहां उन्होंने एक बढ़िया रीबाउंड कैच लिया। कैप्टन मॉर्गन के विकेट के बाद कोलकाता के पास अच्छा मौका था एंड्रे रसल को ऊपर भेजने का, मगर उनके खिसकने के बाद आए नितेश राणा जो ठीक उसी धीमे तरह से खेलने लगे और इससे दबाव में पड़े त्रिपाठी। फिर आया एक और झटका जब 45 पे त्रिपाठी ने चलाया अपना लाठी रविंद्र जडेजा की बॉलिंग पर, मगर रिवर्स स्वीप करते हुए वो बोल्ड हुए और कोलकाता फंसी 89 पे 4 पर। 7.5 ओवर बाकी थे जब आंड्रे रसेल आखिर क्रीज पे आए और ये सिचुएशन सेट था कि वो आके कुछ कमाल दिखाए। 15 बॉल खेल के रसेल ने 20 रन बनाए बिफोर ही वॉज बोल्ड बाय लॉर्ड शार्दुल। राणा बहुत कोशिश करते गए बड़े शॉट मारने की, मगर टाइमिंग उनकी कुछ खराब रही और फिर क्रीज पे आए दिनेश कार्तिक और उन्होंने मोमेंटम दिया एक बेहतरीन कैमियो के साथ, जिसके सहारे कोलकाता ने आखिरी 3 ओवर में 44 रन मारे। कार्तिक भारी पड़े सैम करन पे जो अपने 4 ओवर में 56 रन के लिए पिटे। कार्तिक ने तेजी से मारे 11 बॉल पे 26 रन और फाइनली राणा भी थोड़े लय में आए और वो नाबाद रहे 37 पे। चेस में चेन्नई के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी को कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा पावर प्ले के अंदर और बोर्ड पे दोनों ने 52 रन जोड़े पहले ही 6 ओवर के अंदर। स्पिनर्स को दोनों ने बड़े आराम से खेला, खासकर गायकवाड़ जिनका ड्राइविंग पुलिंग और कटिंग लाजवाब था। 90 ओवर में रसेल ने आके पहली गेंद पे छक्का खाया, पर अगली बॉल पे गायकवाड़ ने आसान सा कैच दिया कैप्टन मॉर्गन को कवर्स की दिशा में और वापस लौटे 40 रन बना के। 74 रन की साझेदारी के बाद बैटिंग करने आए मोइन अली और लॉकी फर्गसन के ऊपर चढ़ गए पहले खूबसूरत फ्लिक के साथ और फिर एक करारा पुल्ड 6 को लेके। 11 ओवर के बाद चेन्नई 101 पे 1 थी और मांग था 54 गेंदों पर 71 रन। ब्रेक थ्रू मिला प्रसिद्ध कृष्णा के नाम जब 44 पर डुप्लेसी ने बाजुएं खोली, मगर सीधे डीप कवर पॉइंट पे खड़े लॉकी फर्गसन को कैच दिया। यहां से शुरू हुआ चेन्नई की स्लाइड, 6 गेंदों में 3 विकेट गिरे और सुरेश रैना, एमएस धोनी और मोइन लौटे डगआउट की तरफ। तराजू की पलड़े की तरह ऊपर नीचे होता रहा पारी, पर फाइनली जब रविंद्र जडेजा ने प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी ओवर में 2 छक्के और 1 चौका मारा, तो ऐसा लगा कि चेन्नई की जीत पक्की है। पर जिस मैच में किंग्स नाम की टीम खेल रही हो, उसमें कहां इतना सीधे तरीके से मैच जीता जाता है दोस्तों। 20वें ओवर में सुनील नारायण ने सैम करन और सेट हुए जडेजा को चलते किया
और मैच के आखिरी बॉल पर नए बैट्समैन दीपक चहर ने चेन्नई के फैंस के दिलों की धड़कन थाम लिया सिंगल लेके। फुल पैसा वसूल मैच और चेन्नई अब यूएई में है 3-3। दोस्तों जुड़े रहिए इस चैनल के साथ पूरे लीग के बीच और जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए क्रिकेट फेबल्स को। अगली मुलाकात तक दिस इज जेमी ऑल्टर सिंह, गुड बाय।